Assalamualaikum friends, my name is Azmat Sajjad. आज हम mathematics class science का first chapter start कर रहे हैं. It is about matrices and determinants. ये first chapter है. इसमें पहले हम introduction इसका देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आप study करते हैं. तो उसकी definitions के साथ विद example हम concept देखेंगे और जो भी concept हम आपको deliver करेंगे उसके साथ हम mention कर देंगे कि फलां exercise का ये question आप इस concept के through कर सकते हैं ताकि ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट लेने के बाद आप ये तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लें. अगेन अगर कोई आपको इशू आता है तो आपको नीचे वीडियो के अंदर जो नंबर दिया जाता है उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या इसमें प्रॉब्लम है. तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले मैथ्स को डिफाइन करेंगे. विद A rectangular array or formation of collection of real numbers, say, अब मैंने real numbers में से चार एक number ले लिए हैं, 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets, ठीक है? Is said to form a matrix. ये देखिए मैंने इसको end में matrix form में लिख दिया है. Simple form में अगर बताया जाए तो आपके पास जो real numbers की arrangement है, formation है, उनको अरेंज करना तरतीब देना ठीक और फिर उनको तरतीब देने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना तो ये आपके पास क्या बन जाता है सेट बन जाता है. ये देखें मैंने 0 1 2 3 4 एंड 7 को अरेंज किया 1 3 4 7 2 0 ठीक है. आप एक अरेंजमेंट इसकी ले लें 1 2 3 और 4 7 0 ले लें कोई इशू नहीं है. ये हमने एक अरेंजमेंट उसके लिए आप कोई भी इसकी अरेंजमेंट ले सकते हैं और इसको अरेंज करने के बाद आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब इनक्लोज कर देंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा एक सेट बन जाएगा. इसी तरह से हमने एक और सेट की एग्जांपल ली हुई है 0 1 3 4 ये आपके पास क्या है दूसरा सेट ठीक है. और ये सेट के अंदर जो आप रियल नंबर्स ले रहे होते हैं ये सेट्स के क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं या आप इन्हें ये भी कहते हैं कि ये सेट की एंट्रीज एलिमेंट्स ऑफ द सेट और एंट्रीज ऑफ द सेट. और सेट को डिनोट करने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर यूज किया जाता है ए से लेकर जेड तक कोई भी आप ले लें और सेलेक्ट ए ले लें बी ले लें सी ले लें एम ले लें एल ले लें एक्स ले लें वाई ले लें जेड ले लें कोई भी आप इसको कैपिटल लेटर लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई है. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कि रोज एंड कॉलम्स. देखिए जब भी हम रियल नंबर्स को अरेंज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और इसे उस सेट की फॉर्म में तरतीब देते हैं तो हमारे पास इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती हैं ठीक है हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ठीक है बिल्कुल जो आपके अर्थ के पैरेलल होती हैं उन्हें कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है. अर्थ के नॉर्मल के अर्थ की जो प्लेन के पैरेलल मूव कर रही होती हैं वो आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको आप रोज कहते हैं. ये देखें ये R1 R2 और R3 ये एक रो है ये दूसरी रो है ये तीसरी रो है. अब मैं अगर इसको पढ़ूंगा 1 2 0 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. आपके पास हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं इसे आप क्या कहते हैं रोज कहते हैं. और वही जो वर्टिकल है जो ऊपर से नीचे की तरफ आप पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल उसके ऊपर अर्थ के अगर आप सरफेस को देखें उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डायरेक्शन में लाइंस आ रही होती है जब आप इन्हें नीचे की तरफ मूव करते हैं इसी वर्टिकल लाइंस को आप क्या कहते हैं कॉलम्स कहते हैं. ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 ठीक है. ये आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स होती हैं वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपने जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी आप उन्हें काउंट करके कॉलम और रोज कह देंगे और जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी आप उन्हें काउंट करके कॉलम कह देंगे. अच्छा इसमें एक पॉइंट है जो आप नोट कर लें और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल रोज हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि जितनी भी रोज होंगी मैट्रिक्स के अंदर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं. देखिए ये आपके पास एक रो है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स दूसरी रो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स तीसरी रो 1 2 3 तीन एलिमेंट्स और इसी के आप अगर कॉलम्स देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तो किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर की जितनी भी रोज है और जितने भी कॉलम है उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर सेम होते हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं रोज में भी और कॉलम में भी
but number of elements in columns and rows may be may not be same. कि आपके पास जो एक मैट्रिक्स है उसमें जो रोज और कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते. जिस तरह इसमें देखिए जितने कितनी रोज हैं, तीन रोज हैं, तीनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं, तीन कॉलम हैं, तीन तीन एलिमेंट्स हैं. लेकिन आप यहां पे आए, ये आपके पास एक और मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास दो रोज हैं और इस रो के भी कितने एलिमेंट्स हैं, दो, और इस रो के भी कितने एलिमेंट्स हैं, दो. कॉलम के कितने एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम के भी दो एलिमेंट्स हैं और इस कॉलम के भी दो एलिमेंट्स हैं, ये भी सेम है. और आप बाबू यहां पे आके देखें, इसमें देखिए आपके पास एक रो दूसरी रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम. अब पहली रो में भी तीन एलिमेंट्स हैं, दूसरी रो में भी तीन एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स हैं. तो इसलिए मैं निकाला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम एंड रोज में नॉट बी सेम. ये जरूरी नहीं कि सेम हो भी सकते हो नहीं भी हो सकता. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रो और कॉलम से रिलेटेड. नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर उर्दू में आप कहते हैं मरतबा, कॉलम का मरतबा. ठीक है, अब जितने भी नंबर ऑफ रोज है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर और नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ये ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स एम. हम लेट्स सपोज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स एम है, हैज एम, स्मॉल एम जो है इसकी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल एम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन एम, ये जो मैट्रिक्स एम है इज सेड टू बी ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाय एन, इसको ऐसे लिखते हैं एम डैश बाय डैश एन, वेयर एम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स. ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया है जिसकी पहली रो है 1 2 3 और दूसरी रो है 1 0 2. अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास रोज दो हैं और कॉलम कितने, एक दो तीन. तो मैंने नंबर ऑफ रोज भी लिख ली है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिख ली है. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम. तो ये मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आपने करना होगा. एक दो एग्जांपल्स मैंने इसमें आपको बता दिए और आप अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसके अंदर उसने हाई ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. जितने भी आपको मैट्रिक्स के बने उसके आप रोज देखें, कॉलम देखें और आप बताते जाएंगे इसके मैट्रिक्स कितने हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.